एम सुजाता, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर इन समर, जो बहुत सा क्विक स्किन केयर होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में और जितने भी इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो आपके घर में ही अवेलेबल हो जाएंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सो अब हम यूज़ करने वाले हैं मिल्क। यहाँ पे हमको यूज़ करना है रो मिल्क यूज़ करना है यहाँ पर, और उसको कॉटन पैड्स लेकर अच्छे फेस पर गर्दन पे उसको अच्छे से लगा लेना है। नींद होती है उसको दूर करने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और चेहरे पे चमक लाता है। क्लिंजिंग करने के बाद ना आपको ना उसको 5 मिनट तक रखना, ठंडे पानी से वॉश करना है। सेकेंड स्टेप इज स्क्रब। सो स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल एंड मिल्क। सो मिल्क तो रो मिल्क ही लेना है आपको, एंड चावल आपको पीस के लेना, थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए कि स्क्रब करने के लिए थोड़ा सही हो। एंड के आटे में ना एंटी ऑक्सीडेंट होता है, विटामिन होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन से ना एक्सेस ऑयल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये ना आपकी स्किन को साफ करता है। इसको आपको हफ्ते में 2 बार ही करना है। स्क्रब होने के बाद ना उसको ठंडे पानी से वॉश करना है उसको। एंड करते हैं थर्ड स्टेप इज फेस मास्क। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन टर्मरिक रोज वाटर। ये तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको फेस पर लगा लेना है। बेसन एंड रोज़ ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत मदद करता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। ये आपकी स्किन से टैन को रिमूव करने में सबसे बेस्ट होता है। फेस पैक ना गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फेस पैक है। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो। फेस पैक को सिर्फ 2 मिनट तक रखना है एंड उसको वॉश कर लेना है ठंडे पानी से, एंड ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। So do like, share and subscribe my channel. I'm with you in the next video. Till then, bye.